एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स होते क्या है? एक्सियम्स और पोस्टुलेट को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी स्टेटमेंट है या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। एक और तरह का स्टेटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मे बी। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसी तरीके से सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एक और तरह का स्टेटमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मे बी, यानी टुडे इज वेरी हॉट, आज बहुत गर्मी है, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। किसी के लिए आज का दिन बहुत गर्म हो सकता है और हो सकता है कि किसी को आज ठंड लग रही हो। तो तीन तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स और एक होता है मे बी। लेकिन मैथमेटिक्स में मे बी नहीं चलता है। मैथमेटिक्स में केवल दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, पहला होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। यानी मैथमेटिक्स में कोई बात या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ट्रू स्टेटमेंट भी दोस्तों दो तरह के होते हैं, पहला होता है यूनिवर्सल ट्रूथ और दूसरा होता है ट्रूथ विद प्रूफ। यानी दो तरह के ट्रूथ हो गए, एक हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हो गया ट्रूथ विद प्रूफ। यानी वो बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई, और दूसरी वो बातें जिसके पीछे कोई सबूत हो या कोई प्रूफ हो उसे कहते हैं ट्रूथ विद प्रूफ। जैसा कि मैंने बताया सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जैसे कि आपके फादर आपसे पूछें कि क्या आपने बिजली का बिल भर दिया, तो आप कहेंगे हाँ मैंने बिजली का बिल भर दिया। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपने बिजली का बिल भर दिया? आप अपने पिताजी को बिजली के बिल की एक रसीद दिखा दीजिए कि आपने जो पैसा दिए थे मैंने उससे बिजली का बिल भर दिया, और ये है उसका प्रूफ। तो दो तरीके के ट्रूथ हो गए, एक हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ और एक हो गया ट्रूथ विद प्रूफ, ऐसे सच जिनके पीछे कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो। दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें पहले होते हैं एक्सियम्स यानी ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, और दूसरे होते हैं पोस्टुलेट्स यानी एज्यूम्ड ट्रूथ विदाउट प्रूफ और सेल्फ एविडेंट, यानी वो ट्रूथ जिनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उनको पहले से ही प्रूव्ड मान लिया जाता है। जैसे कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको ऑलरेडी प्रूव्ड मान लिया गया है। एंड स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, यानी वो ट्रूथ जिनको बिना प्रूफ किए ही सच मान लिया गया है और उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और वो स्पेसिफिक है ज्योमेट्री को लेके। एक्सियम्स वो ट्रूथ है जो मैथमेटिक्स की सभी ब्रांच में एप्लीकेबल होते हैं, जैसे 1+1=2, 1+1=2 अर्थमेटिक में भी ट्रू है, 1+1=2 आपका पॉलिनोमियल्स में भी ट्रूथ है, आपका एलजेब्रा में भी ट्रूथ है, हर जगह 1+1=2 ही होता है। लेकिन ऐसे ट्रूथ जो स्पेसिफिक है ज्योमेट्री के लिए और उनको पहले से ही ट्रू मान लिया गया है, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें हम कहते हैं पोस्टुलेट। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक्सियम्स यानी ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर जगह एप्लीकेबल है, और पोस्टुलेट्स यानी एज्यूम्ड ट्रूथ विदाउट प्रूफ और सेल्फ एविडेंट एंड स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ये हो गए एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की परिभाषाएं। अब हम यूक्लिड्स के द्वारा दी गई एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड की पहली एक्सियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी इफ ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू बी देन ए इज इक्वल टू सी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। अब देखिए ए और सी दोनों बी के बराबर है तो ए इज इक्वल टू सी, बहुत ही ईजी है। अब उसी तरीके से दूसरी एक्सियम है इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल्स, यानी इफ ए इज इक्वल टू बी तो हम ऐड करें सी दोनों साइड में
तो ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल्स। चलिए अब थर्ड एग्जाम देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम है इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यानी इफ a इज इक्वल टू बी और अगर हम c दोनों साइड से सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी। ये हो गई यूक्लिड की थर्ड एग्जियम। अब हम फोर्थ एग्जियम देख लेते हैं। फोर्थ एग्जियम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी वो चीजें जो एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है लाइन PQ और यही लाइन QP भी है। लाइन PQ कोइंसाइड विद लाइन QP, देन PQ इज इक्वल टू QP। थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। उसी तरीके से यहां पर ये एक एंगल है ABC और दोस्तों यहां पर यही एंगल है एंगल CBA। एंगल ए बी सी कोइंसाइड विथ एंगल सी बी ए, देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। उसी तरीके से हमारा फिफ्थ एग्जियम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। दोस्तों ये है हमारा एक रेक्टेंगल ए। अब इस रेक्टेंगल का एक पार्ट है रेक्टेंगल बी, तो रेक्टेंगल ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रेक्टेंगल बी। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो छठी एग्जियम है वो कहती है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी इफ ए इज इक्वल टू टू बी एंड सी इज इक्वल टू टू बी देन ए इज इक्वल टू सी। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। उसी तरीके से सातवीं एग्जिम है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी इफ ए इज इक्वल टू बी बाय टू एंड सी इज इक्वल टू बी बाय टू देन ए इज इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू सी। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये हो गई हमारी यूक्लिड्स की एग्जियम्स। अब हम पढ़ लेते हैं यूक्लिड्स की पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स की फाइव पोस्टुलेट्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने बताया पोस्टुलेट इज इक्वल टू अज्यूम ट्रूथ विदाउट प्रूफ, जिनको पहले से ही प्रूफ मान लिया गया है, एंड स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। यूक्लिड की पहली पोस्टुलेट देख लेते हैं। पहली पोस्टुलेट है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी दो अगर कोई पॉइंट है तो उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है तो उनके बीच में कम से कम एक रेखा तो खींची ही जा सकती है। यूक्लिड ने बिना मेंशन किए हमेशा ये एज्यूम किया कि दो पॉइंट्स के बीच में केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी अगर हम कोई दो पॉइंट्स ले लें, कहीं पे भी दो पॉइंट्स ले लें, तो उनके बीच में एक सिंगल रेखा, एक यूनिक लाइन खींची जा सकती है। तो पहली पोस्टुलेट से एक एक्सियम निकल के आती है और वो एक्सियम ये है कि कोई भी आप दो पॉइंट लीजिए, उनके बीच में एक यूनिक रेखा खींची जा सकती है। चलिए इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। अब ए से बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं और बी से बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं। अब एक ऐसी रेखा खींचिए जो ए और बी दोनों से होकर जाए, तो ये एक रेखा हो गई। तो दोस्तों कितनी रेखाएं हैं जो पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही हैं? केवल एक, वो है लाइन ए बी। और कितनी रेखाएं हैं जो पॉइंट बी से ए की तरफ जा रही हैं? वो भी केवल एक, और वो है लाइन ए बी। यानी दो पॉइंट से एक यूनिक रेखा खींची जा सकती है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट एक सेल्फ एविडेंट हो गया और इसको हम एक एक्सियम की तरह ले सकते हैं। चलिए पोस्टुलेट टू देख लेते हैं। पोस्टुलेट टू है ए टर्मिनेटेड लाइन
कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, यानी ये एक लाइन सेगमेंट है और ये पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट ये कहती है इस लाइन सेगमेंट को दोनों साइड इनडेफिनेटली आप इसको ले जा सकते हैं, ये इस साइड भी इसको बढ़ाया जा सकता है और इस साइड भी इसको बढ़ाया जा सकता है। पोस्टुलेट थ्री है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस का एक सर्किल खींचा जा सकता है। उसी तरीके से पोस्टुलेट फोर ये कहती है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी सभी राइट एंगल आपस में बराबर होते हैं। पोस्टुलेट फाइव देख लेते हैं, पोस्टुलेट फाइव थोड़ी सी टिपिकल है, इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पोस्टुलेट फाइव कहती है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, यानी ये दो स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू फॉल हो रही है, दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी और इस पर एक स्ट्रेट लाइन पी क्यू फॉल हो रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर इज लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी इसमें ये जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं एंगल वन और टू, और एंगल वन और टू को अगर हम जोड़े तो उनका जो जोड़ आ रहा है वो 180 डिग्री से कम है, यानी एंगल वन प्लस एंगल टू इज लेस देन 180 डिग्री, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल, तो ये उस साइड पे जाके मिलेंगी जहां इंटीरियर एंगल का जो जोड़ होगा, जो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। इस तरीके से लाइन ए बी और लाइन सी डी जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू इंटरसेक्ट करेंगी। अब दोस्तों इस फिगर को उठा के हम जरा ऊपर रख लेते हैं, तो जैसा मैंने बताया इफ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री देन लाइन ए बी एंड लाइन सी डी विल इंटरसेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पी क्यू। उसी तरीके से अगर एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा तो लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी के पैरेलल होगी। तो ये थी पोस्टुलेट 5। जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्टुलेट 1 से लेके पोस्टुलेट 4 बहुत इजी है, लेकिन पोस्टुलेट 5 थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको हम डिटेल में अपने अगले वीडियोस में, फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड्स ने अपनी इन एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के जरिए कई थ्योरम्स डेवलप की। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं और कुछ रिजल्ट्स प्रूव कर लेते हैं यूक्लिड की एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के बेसिस पे। पहला एग्जांपल है इफ ए बी सी आर द थ्री पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये एक लाइन है ए सी और इसमें बीच में एक पॉइंट है बी, ये हो गई लाइन ए बी और ये हो गई लाइन बी सी, उसी तरीके से ये लाइन हो गई ए सी। हम देख सकते हैं इस फिगर में ए सी जो है वो कोइंसाइड कर रहा है ए बी प्लस बी सी से, और जैसा कि हम जानते हैं यूक्लिड्स एक्सियम 4 दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट, यानी किसी भी लाइन सेगमेंट से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल जिसकी सारी लाइंस इक्वल होती हैं, हम खींच सकते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं ए बी। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड की पोस्टुलेट को यूज करते हुए एक सर्किल खींचेंगे पॉइंट ए से ए बी रेडियस का। तो ये हमने पॉइंट ए से ए बी रेडियस का एक सर्किल खींचा। उसी तरीके से हम पॉइंट बी से एक सर्किल खींचेंगे बी ए रेडियस का। अब मान लीजिए ये जो सर्किल है ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट सी पर, तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी। अब हम लाइन सेगमेंट खींच लेंगे ए सी और बी सी। तो हमने ये एक लाइन सेगमेंट खींच लिया ए सी और अब हमने बी से एक लाइन सेगमेंट खींच लिया बी सी। अब देखिए
ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है क्योंकि ये दोनों इसका रेडियस है। उसी तरीके से बी सी जो है वो बी ए के इक्वल है क्योंकि ये इसका एक रेडियस है। तो जैसा मैंने बताया ए बी इज इक्वल टू ए सी क्योंकि दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के, उसी तरीके से ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के। तो दोस्तों उसी तरीके से यूक्लिड की एक्सियम बताती है दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस तरीके से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, यानी तीनों लाइनें आपस में बराबर हो गई। सो ट्राइंगल ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहां पर ये प्रूफ हो गया। अब दोस्तों चलिए एक थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो अलग अलग लाइनों के बीच में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए दो लाइनें हैं L1 और L2, और मान लीजिए उनके बीच में दो कॉमन पॉइंट हैं A और B। तो इस तरीके से L1 के दो पॉइंट हो गए A और B, और L2 के भी दो पॉइंट हो गए A और B। इस तरह से L1 और L2 दोनों जो हैं A और B से होकर जाएंगी। यही तो इसका मतलब हुआ, यानी L1 और L2 अगर A और B पे क्रॉस कर रही हैं तो L1 पर भी A और B होगा और L2 पर भी A और B होगा, यानी L1 और L2 दोनों A और B से होकर जाएंगी। लेकिन यूक्लिड की एक्सियम्स के अनुसार कोई भी दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। देयर कैन बी अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो इस तरीके से ये जो हमारा एजम्पशन था कि दो लाइंस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से होके जा रही हैं, ये गलत साबित हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि दो डिस्टिंक्ट लाइन के बीच में केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। बहुत ही सिंपल है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए दो लाइन है वो दो पॉइंट से क्रॉस होके जा रही है, दो पॉइंट है ए और बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी से दो लाइनें फिर पास होंगी L1 और L2, और ऐसा हो नहीं सकता। दो पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन पास नहीं हो सकती। इसी तरीके से दो अलग अलग लाइन है उनके बीच में एक से ज्यादा पॉइंट्स कॉमन नहीं हो सकते। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3।